दमोह जिले की हटा के ग्राम पंचायत चौरैया के ग्राम बंजारा टोला कुलुआ में अज्ञात बीमारी से ग्रसित एक ही परिवार के 3 बच्चों की रीढ़ की हड्डी पैर के कमजोर होने से बच्चों में विकलांगता होने लगी है। 17 वर्षीय बालिका खिमू बंजारा 2 वर्ष से पीड़ित है। 11 वर्षीय पूरन पिछले 1 वर्ष से पीड़ित है। 10 वर्षीय खीमा भी इसी बीमारी की चपेट में आकर धीरे धीरे विकलांगता की ओर बढ़ रहा है। परिजनों ने इस बीमारी की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी सीपी पटेल को दी, जिसे गंभीरता से लेते हुए बीएमओ और मेडिकल टीम को ग्राम भेजा। टीम ने बंजारा परिवार के 3 बच्चों का मेडिकल परीक्षण किया। बीएमओ पीडी करगैया ने बताया कि इस बीमारी के नाम की पुष्टि नहीं की जा सकती, हालांकि ये तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारी है जो मानव शरीर की तंत्रिकाओं को कमजोर करते हुए विकलांग बनाती है। इस बीमारी की जांच न्यूरोफिजिशियन द्वारा की जाएगी। पीड़ित परिवार को जांच हेतु आने जाने की व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा की जाएगी। 3 बच्चे हैं, इनकी जो है बीमारी मुझे ऐसा लगता है कि किसी नर्व से संबंधित हो और वो मसल एट्रोफी के साथ साथ नर्व से भी संबंधित हो। दमोह में या जबलपुर में इसको न्यूरोसर्जन को दिखाना पड़ेगा, उससे उसके बाद और भी जांच भी की जा सकती है तो पता लग सकता है क्या है। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट।